ಸೇವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತಿಗಿ आज जो ये किसानों का रेल रोको अभियान है ये सफल रहा और अंत में ये सरकार का पुतला फूंका है इसको आप देख रहे हो। और जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो ये किसानों का आप जोश दे सकते हैं। आज जो रेरो को प्रोग्राम था उसी के तहत जो अभी उसका टाइम पूरा हो गया है, जो 4 बज गए हैं, 4:12 बजे से लेकर 4 बजे तक था। तो अभी समापन पर मोदी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पुतला फूंका गया है, कानून लेके आया है, वो काले कानून वापस ले ले। किसानों के साथ जो पंगा पड़ा है, जो लिया है, वो उसने ठीक नहीं किया, वो उसको भारी पड़ेगा। अब तक कर्मचारियों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर उन्होंने मार डाली है, किसान से अब टकराया है। किसान पीछे नहीं हटेगा, अगर उसके अंदर दम है। मजदूर की और कर्मचारी की जैसे पेंशन खत्म करी 2004 में बीजेपी ने, हम माने एमपी और एमएलए की अपनी पेंशन भी वो खत्म कर दें या उन कर्मचारियों की पेंशन दोबारा लागू करें। और किसान और मजदूर विरोधी जो काले कानून है इनको जितना जल्दी हो सके वो वापिस ले ले, ये फायदे का सौदा है। जो ड्रामाबाजी ये कर रहा है वो उसके हक में नहीं है, उसके विरोध में जा रहा है। पंजाब के चुनाव में उसने सबक ले लेना चाहिए। आगे आने वाले दिनों के अंदर जो वो अच्छे दिन की बात कर रहा था उसके लिए, जो आज लोगों के लिए अच्छे दिन की बात कर रहा था, जैसे अच्छे दिन आ रहे हैं सब लोगों के सामने है, इसी तरह अच्छे दिन उसके भी आने वाले हैं।
तो ये किसान सोनीपत हरियाणा में आज रे रोको था जो संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा कॉल दी गई थी, तो उसी के तहत 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम था। तो अभी जो समापन है रे रोको प्रोग्राम का, तो किसानों ने जाते जाते केंद्र सरकार का और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और किसानों का साफ कहना है कि जो 3 कृषि कानून हैं वो रद्द करने पड़ेंगे। मैं रविंदर सिंह सोनीपत से MNTV दिल्ली।